हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि इंडियन सुपर लीग सीजन 10 कब से और कितने तारीख से शुरू होगा और ओपनिंग मैच किसका है ISL सीजन 10 का। सारा डिटेल्स आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के डाया हेड फैन हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ISL सीजन 10 से रिलेटेड जो अपडेट आया है। तो दोस्तों, इंडियन फुटबॉल के काफी अच्छे सोर्स माने जाने वाले मार्कस मार्गलाव ने कंफर्म कर दिया है कि ISL सीजन 10 21 सितंबर से शुरू होने वाला है और फिक्स्चर रिलीज हो जाएगा जब इंडियन सुपर लीग ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर का अनाउंसमेंट करेगा, और ये होने वाला है इसी हफ्ते के बीच। तो इंडियन फुटबॉल के काफी अच्छे सोर्स माने जाने वाले मार्कस मार्गलाव ने यह कंफर्म कर दिया कि 21 सितंबर से इंडियन सुपर लीग सीजन 10 शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, पहला मैच किसका है ये इन्होंने नहीं बताया है। लेकिन दोस्तों, एक और अच्छे सोर्स IFTWC ने कंफर्म किया है कि पहला मैच हो सकता है केरला ब्लास्टर्स FC और बेंगलुरु FC का, केरला के स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो दोस्तों, हम सभी को ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतज़ार रहेगा जो कि इसी हफ्ते के बीच आने वाला है, और उसके बाद आगे बढ़े और बात करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट ने ब्राज़ीलियन स्ट्राइकर इप्सन मेलो को अपनी टीम में काफ़ी ज़्यादा भरोसे से साइन किया था विल्मर जॉर्डन गिल को रिलीज़ करके। लेकिन दोस्तों, डूरन कप 2023 में इप्सन मेलो के तरफ से पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिला था, और पूरे डूरन कप 2023 में इप्सन मेलो फिटनेस से जूझते हुए नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इप्सन मेलो काफ़ी ज़्यादा फैट हो चुके हैं। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट का भरोसा इसी ब्राज़ीलियन स्ट्राइकर के ऊपर है, और जुआन पेद्रो बेनाली का भी भरोसा है इप्सन मेलो के ऊपर। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी फैंस काफ़ी ज़्यादा चिंतित है इप्सन मेलो के परफॉर्मेंस को लेकर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इप्सन मेलो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएंगे ISL में भी। लेकिन दोस्तों, एक प्लेयर को थोड़ा समय देना पड़ता है, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट का भरोसा है इप्सन मेलो के ऊपर। अगर मान लीजिए इप्सन मेलो जनवरी ट्रांसफर विंडो तक अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते हैं, तो जनवरी ट्रांसफर विंडो में हम सभी को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट की तरफ से कोई नया स्ट्राइकर देखने को मिल सकता है। और विल्मर जॉर्डन गिल बिल्कुल भी वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि ISL के न्यू क्लब पंजाब FC के लिए विल्मर जॉर्डन गिल ने साइन कर दिया है, ये आप सभी को पता ही है। तो क्या विल्मर जॉर्डन गिल को रिप्लेस कर पाएंगे इप्सन मेलो? आप सभी को क्या लगता है, क्या भरोसा करना चाहिए इप्सन मेलो के ऊपर? आप अपना राय जरूर कमेंट सेक्शन पर बताना। तो चले दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चले दोस्तों, अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।